हालेलुया। अभी हमारे बीच में प्रभु के वचन को लेकर आएंगे और मैं निवेदन करता हूँ हमारे बीच में जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर जी हैं रेवरेंड कल्लू मसीह जी हैं वो खड़े हो जाएंगे। हम जोरदार तालियों के साथ उन्हें हम स्वागत करते हैं और आगे का समय को मैं उन्हें देता हूँ। हालेलुया। बोलो उद्धार का प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद हो प्रभु महान है जो कि प्रभु आज हमारे जीवन में ये सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया। आज कई लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला होगा लेकिन परमेश्वर का हृदय से आप पर मैं धन्यवाद देना है जो कि प्रभु आज हमारे जीवन में ये सुंदर मौका आज दिया है ताकि आज आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में इस जगह में बैठे हुए। हालेलुया। तो आज हम प्रभु की उपस्थिति में जगह में बैठे हुए और पिछले 2021 को आप और मैं पिछले रात को 12 बजे के बाद पर मैं पार कर चुका हूं और 2022 में आप और मैं इस जगह में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। 2021 आपकी जिंदगी में कैसा रहा यह तो मैं नहीं जानता। आपका बात अपना बात आप लोग ही जानते हैं। वो आपका पर्सनल बात है। 2021 आपके जीवन के लिए कैसा था किस प्रकार आपने अपना जीवन को बिताया वो अपना बात आप लोग जानते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में परमेश्वर मसीह आपको 2022 में यह नया साल में परमेश्वर आपको एक वादा करता है। आप में से प्रत्येक लोगों से यहां बैठे हुए हर एक लोगों से परमेश्वर एक वादा करता है और परमेश्वर यह कहता है वो यीशु मसीह यह कहता है ये नया साल में तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहो तो जो चाहो तुम्हें मिल जाएगा। बोलो उद्धार का तो प्रभु यीशु मसीह की बोलो उद्धार का तो प्रभु यीशु मसीह की ये यीशु मसीह का वादा है आपके लिए। ये 2022 में यीशु मसीह आपके लिए वादा करता है। आपके मुझसे यीशु मसीह वायदा करता है सचमुच उस वायदे के अनुसार आप और मैं अपना जीवन को बिता कर देखे उस वायदे के अनुसार आप और मैं उस काम को कर देखे उस वायदे के अनुसार आप और मैं प्रभु के साथ बन कर देखे तो प्रभु कैसा आपके जीवन में ये नया साल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसका किया हुआ वादा को आपके जीवन में पूरा करता है। बोलो उद्धार कर तो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। पिछले सालों में यदि आपका काम सफल नहीं हुआ हुआ हो पिछले साल में आपने जो चाहे मांगा लेकिन आपको नहीं मिला हो आपका प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिला हो लेकिन इस साल यीशु मसीह आपसे वायदा करता हो बाकी ये तमाम लोगों से इस जगह में वायदा करता यीशु मसीह तुम मुझ में बने रहो। बोलो उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह की और हम देखते हैं और मेरी बातें तुम में बनी रहे
पिछले दिनों में आप पर चुप भी गए होंगे प्रभु के साथ आप पर मैं भले भी नहीं रहा हूं प्रभु के साथ हमारे जीवन में नहीं बना होगा तब आपका मेरा प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने नहीं दिया है आप कर मुझे मेरे फ्रीडम आपके मुझे प्रभु के साथ बने रहना बहुत ही जरूरी है वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह कहता है मैं दाखलता तुम क्या हो तालियां हो बोलो दाखलता प्रभु यीशु मसीह की कितना आप और मैं खुश नसीब लोग हैं कितने लोग अपने आप को आप लोग खुश नसीब समझते हो वो लोग एक बार जोरदार हालेलुया बोले हालेलुया बोले घर का तो प्रभु यीशु मसीह की आप और मैं खुश नसीब लोग हैं तो वो कहता है यीशु कहता है मैं दाखलता हूं और तुम क्या हो वाह वाह क्या बात क्या बात हमारा प्रभु यीशु ने से दाख लेता है और आप पर मैं डालूंगा कई बार हम अपने आप को प्रयास करते हैं प्रभु से अलग होकर प्रभु से अलग होकर हम हर काम को करेंगे हर काम सफल हो जाएगा हर चीज को प्राप्त करेंगे हर चीज हमको मिल जाएगा प्रभु का वचन कहता है दाखलता के बिना बाली किस काम का दाखलता के बिना बाली किस काम का है ना जो जो डाली दाखलता में जुड़ा न हो वो डाली किस काम का है बताइए वो डाली किस काम का बताइए वो डाली सूख जाता है और सूखने के बाद क्या होता है जलाया जाता है मेरे विश्वासी भाई और बहन मेरे विश्वासी भाई और बहन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं क्या पिछले साल 2021 में आप लोग दाखलता के साथ आप जुड़े हुए थे क्या उस डाली की नहीं जो डाली दाखलता से अलग है और सूख जाता है कभी भी देखिए एक झाड़ को काटने के बाद तुरंत नहीं सकता ठीक है एक झाड़ को आप और मैं काट देंगे ऐसा कोई झाड़ देख रहा है संदू देखिए क्या तुरंत तो सूख गया देखिए कोई झाड़ ऐसा कोई झाड़ देख लो जैसा तुरंत काट दिए और वो सूख गया तुरंत एक दिन में दो दिन में सूख गया ऐसा फिर देखे नहीं झाड़ सूखने के लिए टाइम लगता है ना वो डाली सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है हम लोग सत्य है फिर से अलग होकर मेरा हर काम तो सफल हो रहा है फिर से अलग होकर मैं हर काम कर पा रहा हूं मेरा हर काम सफल हो रहा है लेकिन मेरे विश्वासी भाई और बहन वो तुरंत पता नहीं चलता है सूखने का वो धीरे 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 वो सूखते जाता है और उसके बाद मर जाता है उसके बाद पता लगता है ये तो कुछ काम का नहीं क्या आज भी ऐसा हमारा जीवन है ये दुआ जहां पर मैं प्रभु से अलग होकर अपना जीवन को बिता रहे हैं वो सूखे डाली की तरह है सूखे डाली और कुछ काम नहीं आएगा आखिर में याद रखे आप जितना भी प्रयास करो
सूखे डालू और कुछ काम नहीं आएगा, केवल उसे जलाया ही जाएगा। उससे पहले प्रभु कहता है, पिछले 2021 में आपने जैसा भी अपना जीवन को बिताया, लेकिन 2022 में मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहो तो जो चाहो मांग लो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो लोग ध्यान करके प्रभु यीशु मसीह की भले पिछले साल भी हमको नहीं मिला होगा हमारा प्रार्थना का जवाब, लेकिन उसका विजय भी कौन है? हमारा आप है, आप लोग है। क्यों प्रार्थना का जवाब नहीं मिला? क्यों आप पर मुझे चार निश्चित नहीं मिला? उसका भी वजह आप ही लोग हैं। और यीशु कहता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी कर सकते हैं? कई लोगों का विचार प्रार्थना में नहीं जाने से सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मीटिंग में बैठे भी सब कुछ कर सकता हूं, प्रभु के साथ भी बने रहने से भी सब कुछ कर सकता हूं। कई लोगों का विचार है, कई लोग बोलते कुछ नहीं करने से क्या तुम्हारा महत्व तुम्हारा परमेश्वर ऊपर से डाल देगा? क्या डालेगा? आपका मेरा परमेश्वर डालने वाला है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता परख कर देखो, बोलो धार करता प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह कहता परख कर देखो कि वह हुआ कैसा भला और उसके करुणा बाकी। एक दिन की नहीं है, दो दिन की नहीं है, तीन दिन की नहीं है, साल भर की नहीं है, सदा सर्वदा उसकी करुणा। बोलो उद्धार करके प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप गुरु जी प्रभु के साथ इस नया साल 2022 में आप गुरु जी बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु से अलग होकर आप हमें कुछ भी नहीं कर सकते। बने रहने का मतलब क्या है? यह बात हमको मालूम होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, मेरे पर प्रार्थना में लगे रहना। बोलो धार का पता नहीं इस मसीह की। कितने लोगों ने 2021 में निरंतर प्रार्थना किया या नहीं किया मैं नहीं जानता। आप में से कितने लोगों ने 2021 में प्रार्थना किया नहीं किया निरंतर? ये नहीं कि हफ्ता नहीं किया, ये नहीं कि केवल शुक्रवार दिन में, ये नहीं कि केवल इतवार दिन में, प्रभु यीशु मसीह कहता है निरंतर क्या करना है आपको उठो प्रार्थना में लगे रहना है। बोलो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की। यदि आपने 2021 में गेट भी किया होगा, प्रार्थना करना भूल भी गया होगा, लेकिन 2022 में परमेश्वर कहता है, पर यीशु मसीह कहता है, तू निरंतर प्रार्थना करके तो देख मेरा बेटा। बोलो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की। तू निरंतर प्रार्थना करके देख मेरे बेटी। बोलो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की। तेरा हर काम को मैं सफल करूंगा। परमेश्वर आपसे वायदा करता है, यीशु मसीह आपसे वायदा करता है, तू प्रार्थना करना नहीं छोड़, तू निरंतर प्रार्थना करता रहा और तेरा हिम्मत को नहीं हारना, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यीशु को कहता है परमेश्वर, युवा मन दृढ़ हो जा, भला खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ। उन्हें उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की।